ओम शांति। आज हम योग अभ्यास करेंगे सच्चा सच्चा हरिद्वार है भारत, जहां स्वयं हरि शिव पिता परमात्मा अवतरित होकर स्वयं आत्माओं की दुख हरते हैं और सुख की नई दुनिया पावन दुनिया स्थापित करते हैं। भारत शिव पिता की अवतरण भूमि है, जहां शिव पिता परमात्मा विश्व परिवर्तन के निमित्त यह रुद्र ज्ञान महायज्ञ रचते हैं, जिसमें सारे विश्व की आत्माओं के विकर्म तथा विकार भस्म हो जाते हैं, जिसमें सारी अपवित्र दुनिया पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है और नई पवित्र सतयुगी दुनिया स्थापित होती है। आज शुभ पावन क्षणों में मैं आत्मा शिव पिता की अमृत वाणी का चिंतन कर रही हूँ। आज शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे हरि के द्वार पर बैठे हो। हरि शिव परमात्मा को कहते हैं, जो संगम युग में अवतरित होकर सभी आत्माओं के दुख हरकर सुख देते हैं और सुख का स्वर्णिम संसार बसाते हैं। शिव पिता की श्रीमत है, मीठे बच्चे, तुम संतुष्ट मणि आत्मा हो, तुम्हें सर्व गुण संपन्न बनना है, तो किसी के भी अवगुण मत देखो। गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे ज्यादा गुण एक शिव पिता में है, सदा उनके संग में रहो, उनसे गुण ग्रहण करते रहो। सतयुग में तुम देवी देवताओं का पाठ बजाते हो और द्वापर युग से तुम्हारे गुणों की और शक्तियों की पूजा अर्चना हो जाती है और कलयुग के अंत तक भक्तगण बड़ी श्रद्धा से सर्व गुण संपन्न देवताओं की आराधना करते हैं। मैं आत्मा स्वयं को निरंतर गुणों के भंडारी शिव परमात्मा की छत्र छाया के नीचे अनुभव कर रही हूँ। मेरे हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में केवल शिव पिता की आस समाई है। गुणों के सागर शिव पिता के सभी गुण मुझ आत्मा में समा रहे हैं। पवित्रता के सागर मुझे आप समान पवित्र बना रहे हैं। पवित्रता ही सर्व गुणों की जननी है। मुझ आत्मा मस्तक पवित्रता की लाइट वह माइट से जगमगा रहा है। अनुभव करें आप मंदिर में चैतन्य मूर्ति रूप में विराजमान है और पवित्रता का प्रकाश वरदान बनकर सभी भक्तों पर बरस रहा है। सभी आत्माएं पावन बन रही है। यह अभ्यास बार बार करें। शिव पिता ने मुझे अपना बनाकर
आप समान गुण मूर्त बना दिया। सर्व गुणों तथा सर्व शक्तियों से संपन्न बना दिया है। आप समान महिमा योग्य बना दिया है। द्वापर युग से उन देवताओं की पूजा आराधना होती है जो संगम युग में परमपिता शिव परमात्मा की श्रीमत के अनुसार देवात्मा बनने का संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं।